बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। जहाँ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। अल्लाह ताला सबका रिज़्क़ शादा करें, बीमारों को शफा अता फ़रमाए और सबकी परेशानियाँ दूर करें, आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आज आपके साथ तुर्किश स्ट्रीट फूड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ लास्ट तक मेरे साथ ही रहिएगा। तो मैंने इसके लिए लिए वेजिटेबल में कैप्सिकम और साथ ही मैंने अनियन लिए। तो कैप्सिकम अच्छे से वॉश कर लिया, पहले मैं इनकी भी कटिंग करूँगी। साथ ही मैंने चिकन लिया, ब्रेस्ट का पीस लिया है, क्योंकि हमें बोनलेस चिकन चाहिए। तो तीनों की हमने एक ही शेप से हमने कटिंग करनी है। तो पहले मैं चिकन की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमें बोनलेस चिकन चाहिए। तो बोनलेस ब्रेस्ट को या पीस से बेटर कोई नहीं है। तो तीनों की हमने एक ही शेप से कटिंग करनी है। बिल्कुल आपने बारीक से इसका कटिंग करनी करके तो फिर हमने इनकी कटिंग करनी है, क्योंकि इस तरीके से टेंडर होने में इजी हो जाता है। यहाँ से अब मुझे लगा है कि यहाँ से जो थोड़ा सा मोटा पीस है, तो इसको अपने कटिंग करके बारीक कर लेना। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और आपको बहुत ही ये पसंद भी आएगी, बहुत ही टेस्टी होती है। साथ ही मैं इसके वेजिटेबल की भी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए वेजिटेबल मैंने उसी शेप से कटिंग की है। देखिए तीनों एक शेप की हो गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब मैं इनको मिक्सिंग बॉल में ऐड कर लेती हूँ। अब हम इनको मैरिनेट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून बटर लिया मैंने, 2 टेबलस्पून इसके अंदर बटर डाला और 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर दही डाला, इसके अंदर योगर्ट ऐड किया, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया। और अब इसके अंदर मैं तंदूरी मसाला है वो इसमें ऐड करूँगी। उनका थोड़ा सा फीका सा होता है, लेकिन यहाँ मैं ट्विस्ट कर रही हूँ तो हम थोड़ा सा इसको यानी कि थोड़ा सा हम स्पाइसी बना रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा
फीका सा होता है तो, लेकिन यहाँ आपको पता हमारे इधर इतना नहीं खाते हैं फीका सा, तो इसलिए स्पाइसी करने के थोड़ा सा इससे तंदूरी टच देने के, तंदूरी मसाला मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून में। इसमें तंदूरी मसाला इसमें ऐड करूँगी, अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तो मैरिनेट करके इसको मैं तकरीबन आधे घंटे तक के लिए मैं इसको मैं रख दूँगी। अभी मैं इसको हाफ आवर के लिए इसको रख दूँगी। अब इसके लिए ना हमें मिट्टी का बर्तन चाहिए था, उन्होंने इस तरीके से क्योंकि फूड से ट्री होता है, उन्हें ग्लास होते हैं मिट्टी के, उसके अंदर वो डाल के तो उसको कोयले की जो अंगीठी होती है उसके ऊपर वो करते हैं रखते हैं तो, लेकिन गर्मी बहुत ही और मैंने वैसे भी बहुत ज़्यादा बनाना था इसलिए मैंने ग्लास में नहीं बनाया, लेकिन मैं इसने छोटा मिट्टी का ये जो छोटा सा हंडिया सी होती है इसके अंदर मैं बना रही हूँ, तो मैं चूल्हे के ऊपर इस तरीके से बना रही हूँ ताकि बिल्कुल सेम वैसे ही जायका है, क्योंकि मैंने कोयले पे भी बना के चेक इसको किया हुआ, मैं ऑलरेडी ये 3-4 मरतबा इस रेसिपी को चेक कर चुकी हूँ बना चुकी हूँ। ये देखिए बर्तन आपके पास मिट्टी का ही होना चाहिए, अब इसको हम यहाँ से कवर करेंगे ताकि इसके अंदर से जो इधर से ना इसके स्टीम बाहर ना निकले, तो इसको मैं यहाँ से आटा लेके उसके साथ इसको पूरी इसको कवर करूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया ताकि इसके बिल्कुल कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखती हूँ, 15 मिनट के अंदर इसने तैयार हो जाना, साथ में इसके चाइनीज़ राइस वो तैयार कर लूँगी। मैं आपको ओपन करके भी इसको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त ये तैयार होता है। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं और मैं आप इसको ओपन करती हूँ इसको, ये देखें बहुत ज़बरदस्त हमारा हो चुका है, फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं करनी, मीडियम फ्लेम पे रखना है। देखो मैंने इसको खोला है तो बहुत ज़बरदस्त है, साथ ही मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे तो वो भी मैं इसके साथ ही सर्व कर रही हूँ, बिल्कुल ड्राई से बहुत ही ज़्यादा स्टीम, बिल्कुल कुछ नहीं हमने इस तरह की चीज़ ऐड की कि मसालेदार हो ऑयल हो कुछ नहीं इस तरीके से, और एक स्टीम के अंदर पक किया है तो बहुत इसका जायका था। तो आप भी ज़रूर ये, क्योंकि इसमें तंदूरी टच है तो तंदूरी की तरह से हैं वैसे बहुत अमेजिंग, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और हम इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।